दोस्तों नमस्कार। आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इससे केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर नहीं आ पाए। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने ईडी की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर अंतिम आदेश पारित कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख के जमानत बांड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी। इसका अर्थ है कि कम से कम मंगलवार तक केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विस्तृत आदेश के लिए मामले की सुरक्षित रख रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर 2 से 3 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि निचली अदालत की जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसी राजू ने हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा, ट्रायल कोर्ट ने आदेश में स्वीकार किया है कि उन्होंने दस्तावेज की जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि एक जज जो यह स्वीकार करता है कि मैंने कागजात नहीं पढ़े और फिर जमानत दे दे, तो इससे अधिक विकृत आदेश कोई और नहीं हो सकता है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के पहले के निष्कर्षों के उलट जमानत देने के बारे में कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जो गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने से संबंधित है। दोनों अपीली अदालतों ने केजरीवाल की जमानत याचिका के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया। इसलिए ईडी का यह कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान नहीं दिया, यह सही नहीं है। एसएसजी राजू ने कहा, ट्रायल कोर्ट में हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुनाया गया, जबकि उनका पक्ष बहुत ढंग से सुना गया। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें।